गाइस मैंने अभी भैया और भाभी साहब के लिए, भैया के लिए ये वाला पैंट शर्ट निकाले और भाभी साहब के लिए बेस निकाला है। ये जोड़ है इसका, ये ओढ़ना है और इस पर ये लहंगा है। तो ये मैंने निकाले हैं और लेडी को तो हम लोग लिफाफे में ही दे देंगे। और मैं हो चुकी हूँ अभी तैयार, बस ये माला मंगवाई थी पापा और उन्होंने, तो ये माला लेने के लिए गए हैं और मैं पूरी रेडी हूँ, बस ये आ जाए फिर हम लोग निकल लेंगे क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा है। वहाँ पे 8:30 बजे तक के लिए पहुँचना था लेकिन 8:15 तो ऑलरेडी यहीं पे हो चुके हैं हम लोगों को, तो बस हम लोग अभी निकल लेंगे थोड़ी सी देर। हे गाइस, तो हम लोग अभी पहुँच चुके हैं गांव में, मतलब बस थोड़ी सी दूर है, तो डायरेक्ट अभी घर पे तो जाना नहीं है क्योंकि सब लोग पहुँच गए, हम लोग ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके हैं, पूजन वगैरह सब कुछ हो गया, पापा और माला वगैरह मंगवाई थी लेकिन हम लोग है ना बहुत लेट हो गए। तो अभी कोमल का फ़ोन आया, सब लोगों का फ़ोन आ रहा है कि अब तो भवन पे ही बैठ गए, पहुँच जाओ। पता नहीं लेट जाने कैसे हो गए, हम लोग उठ भी ठीक ठाक टाइम पे गए थे लेकिन फिर हम लेट हो ही गए। तो बस अभी हम पहुँचने वाले हैं और ये नितिशा और ये नितिशा के पापा, दोनों ने सेम टी शर्ट पहन रखी है। मैंने पहले नितिशा को एक इसी के रेड कलर का टी शर्ट पहना दिया था, फिर इसके पापा ने ये वाली टी शर्ट पहनी ना, तो मैंने सोचा पहना देती हूँ क्योंकि मैं हम तीनों के लिए साथ में लेकर आई थी ये टी शर्ट कि कभी जैसे कहीं बाहर घूमने जाएंगे ना तो पहन लेंगे। तो अभी उदयपुर गए थे तो हम दोनों ही गए थे, तो हम दोनों ने पहन ली थी। नितिशा की तो बेचारी की रखी रखी छोटी होने में आई, तो मैंने इसको पहनाई भी नहीं थी, मैंने इसकी तो पुरानी हो जाएगी, हमारी तो रखी रहेगी इसलिए। लेकिन अभी मैं इसको ये टी शर्ट पहना के लाई हूँ और अभी हम मंदिर पहुँचने वाले हैं, शायद हवन पर भी बैठ गए, हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए। ये देखो फोन देख रही है, हेलो तो कर दे। हेलो। तो हम लोग पहुंच चुके हैं डायरेक्ट मंदिर में और हम लोग आए थे जब तक हवन पे बैठ गए थे, पूजन हो रहा था तो भैया और वगैरह पूजन कर रहे हैं, काकू सर काकी सभी हवन में बैठे हैं। और ये है हमारे गली वाले बालाजी महाराज, जय हो बालाजी महाराज की। हैं टीका दिखाना कैसा लगाया, ओहो अब रख दो। दिखाना लग गया मतटा आंखों में जाएगा। जनों के संकट दूर करो, जनों के संकट
शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांति जय शांति सा शांति हे मंत्र पुष्पांगलिमः ओम यज्ञे गवय जंतदेव अभी मैं भैया और भाभी सा की पहरावनी कर रही हूँ। मुझसे पहले दोनों बुआ सा कर लिए और भी काकी सा ने कर दी और बाकी जित हवन पर बैठते हैं तो सब लोग 10-10 रुपए जो जिससे जितना बनता है ना तो वो सब लोग देते हैं हवन पर बैठते हैं उनको, तो सब लोग बीच बीच में पैसे भी देकर जा रहे हैं। और हम लोग अभी मंदिर से घर पे आ गए। रामायण पूरी खत्म हो गई, पैरावनी वगैरह जो थी वो सारी हवन के टाइम पे मंदिर में ही हो गई थी। और अब है खाना वगैरह है जो घर पे पहले मंदिर का डिसाइड किया था लेकिन मंदिर में थोड़ा बनाने की जगह नहीं थी, खिलाने की तो थी, तो इस वजह से अभी घर पे ही बनाया, यहीं पर बना खिलाया है सब लोगों को। तो अभी पहले 51 कन्याएं खाना खाएंगी, फिर उसके बाद में पंडित जी लोग खाएंगे, फिर सारे घर वाले खाएंगे। तो अभी कन्याएं खा रही है हमारा खाना, छोटी छोटी कन्याएं। तो जैसे जैसे कन्याएं आती जा रही है वो खाना खा के जाती जा रही है, तो काकोसा है जो उनके टीका करते जा रहे हैं, क्योंकि जो सारी कन्याएं ना वो एक साथ इकट्ठी नहीं आ रही है, थोड़ी थोड़ी सी आ रही है, तो जो जो खाना खा के जाती जा रही है उनके टीका भी करते जा रहे हैं। आपके लिए बनाया है तो गाइस ये लोग अकेले अकेले पार्टी करने में लग रहे हैं। पार्टी चल रही है इनकी, कोल्ड ड्रिंक की, इनको सबको पैसे मिले थे सबने कंट्रीब्यूट करके। और ये आई है देखो, एक तो तेरे पापा को देके आई थी ना, ये सब बच्चे अपनी पार्टी कर रहे हैं, काको सा गर्मी का मजा ले रहे हैं गांव में। मिराज तो होगी है, कमंडल कहाँ है, ये टावल और कमंडल और नहीं है बस। डन्नो ये डन्नो है, डन्नो पी गई थी तू। अभी सारा काम हो गया, खाना वाना खा लिया, अब हम लोग जा रहे हैं। सब लोग दरवाजे में, सब लोग सो रहे, बात बात कर रहे हैं। ये हमारे कमरे की बाउंड्री बन के तैयार हो गई, तो काको सा थोड़ा सा इधर सजेस्ट कर रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं। देखिए तो इतने पूरी पूरी बाउंड्री बन गई, मैं गई थी ना जब तक उस वाले हो गई थी। और ये दो ट्विंस जा रहे हैं
दिखा ना, अरे इधर तो दिखाओ शेर, दो वाइल्ड कलेक्शन जा रहे, फोटो खींचू गाड़ी में। इधर एक एक वाइल्ड कलेक्शन इधर है काला काला खाई का। बाय कर दे मामसा से। चप्पल में कितनी मिट्टी भर ली तूने, निकल गई, आजा रहने दे। ठीक है ठीक है, बाय बाय छोरा पीपी भाई। मोने मुछ ताव लग गए। गाइस तो हम लोग अभी निकल गए, अभी टाइम हो रहा था 3:30 बजे के आसपास हम लोग निकल गए थे, क्योंकि इनको भी थोड़ा सा काम था तो ये बोले कि चलते हैं। वैसे वहां से आई ना तो सब लोग कह तो रहे थे कि तो सबसे लेट आई है और सबसे जल्दी जा रही है, अभी सब लोग निकलेंगे, वो तो शाम तक निकलेंगे, क्योंकि सब लोग कैंटर से आए तो अभी धूप भी हो रही है बहुत ज्यादा, इसलिए सब लोग थोड़ा लेट तक निकलेंगे। और हम लोग अभी निकल गए क्योंकि फ्री हो गए थे, कुछ काम भी नहीं था, सब लोग बस ऐसे लेटे हुए थे, बातें बातें कर रहे थे, तो फिर ये बोले कि काम है थोड़ा सा ऑफिस तो चलते हैं, तो मैंने कहा चलो घर जाके सो जाएंगे। तो इसलिए हम अभी आ गए हैं गंगापुर, पहुंचने वाले हैं, मतलब अभी आए नहीं है, आधे रास्ते पहुंच गए, आधे रास्ते में हैं हम। तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ।